तब बात टीकमगढ़ के एक सेवानिवृत्त शिक्षक की, जिन्होंने खेती में अपने प्रयासों से नवाचार को प्रोत्साहित किया और एक स्वस्थ और स्वच्छ जीवन शैली को बढ़ावा दिया है। आधुनिकता की इस अंधी दौड़ में आज भी कई ऐसे लोग हैं जो पारंपरिक उद्यमों के जरिए न सिर्फ अच्छी कमाई कर रहे हैं बल्कि स्वच्छ और स्वस्थ जीवन शैली को भी बढ़ावा दे रहे हैं। बुंदेलखंड के टीकमगढ़ के टेहरी मोहल्ला के रहने वाले रिटायर्ड शासकीय शिक्षक अविका प्रसाद तिवारी भी इन्हीं में से एक हैं, जिन्होंने अपनी एक हेक्टेयर कृषि भूमि पर मिश्रित खेती के माध्यम से बेहतर उत्पादन कर 4 लाख रुपए प्रतिवर्ष तक की कमाई की। इन्होंने अपने बगीचे में उद्यानिकी फसलों के साथ साथ बीच में बची जमीन पर गेहूं, मसूर, धनिया की खेती भी की। बागवानी के साथ साथ नौकरी से 18 साल पहले सेवानिवृत्त होने के बाद भी ये बच्चों को प्रतिदिन निशुल्क अध्यापन करा रहे हैं। देसी खाद गाय को, गाय भेंट को, गोबर को खाद डाले, अंग्रेजी खाद नहीं डाले, रसायनिक खाद नहीं डाले। क्या फायदा है गोबर की खाद डाले? गोबर खाद से कीड़ा नहीं लगा ज्यादा और फल अच्छे दे और पौधा अच्छा हो जाए। बीच में फसल बे रही, कचू थोड़ा सा गेहूँ बे रहा, धनिया बे रही, थोड़ी सी मटर बे रही, ऐसे ये आपने लगा दे सब्जी के काम में है। जितनी सब्जी का फायदा उसे दूरी से ही फल में फायदा, वो पौधा सब लगाए से जो फायदा है कि पर्यावरण को भी सुधार हो छे। कहा कि ये बहुत पेड़ कट रहे, अगर 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 सब पेड़ काट दें तो ऑक्सीजन कहाँ से मिले, आदमी कैसे जिंदा रहे, तो हमारी तो जैसा लाए है सब किसान भाइयों से कि अगर आपके लिए 10 एकड़ जमीन है तो 2 एकड़ में पेड़ पौधा जरूर लगाओ, जिससे पर्यावरण सुधरे, बच्चों को फल फूल मिले और फायदा भी हो। जब से रिटायर है 2001 से 10-20 बच्चा जो हमारे जगह है और पिताजी की इच्छा थी मंदिर बना, तो मंदिर बन गए, शंकर जी को पूरी मूर्ति बैठ गई शंकर जी की और उसे ही बच्चन को आरती के बाद तो 25-30 बच्चन को पढ़ा। अंबिका प्रसाद तिवारी ने अपनी जमीन पर खेती में फसल चक्र के अनुपालन के साथ कई नवाचारी प्रयोग भी किए, जिसके चलते आज इनकी पहचान जिले के एक सफल किसान के रूप में भी बनी हुई है। इनके इसी खेती के किए गए नवाचारों की प्रेरणा लेने कई दूसरे किसान भी अंबिका प्रसाद की कृषि भूमि पर पहुंचते हैं। तिवारी अपने बगीचे में गाय भैंस से निकलने वाले गोबर की बनी खाद का उपयोग करते हैं। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग न होने से इनकी उपज पोषण के लिए काफी लाभकारी होती है। जैविक खेती की दिशा में इनके प्रयास कृषि वैज्ञानिकों द्वारा भी सराहे जा रहे हैं। इन्होंने कम से कम 100 कटहल के और करीब 50 अमरूद के, नींबू के, गुलाब के, पपीता, केला, मतलब इन्होंने 2.5 एकड़ में बहुत सारा अपना बाग लगा रखा, जिससे इनको बहुत अच्छी आमदनी भी होती है। इनकी उम्र भी 80 वर्ष है और ये रिटायर्ड टीचर हैं और कृषि विज्ञान केंद्र की कई गतिविधियों में, चाहे वो क्षेत्र परीक्षण हो, चाहे परीक्षण हो, चाहे प्रशिक्षण हो, चाहे मीटिंग हो, ऑफिशियली मीटिंग हो, और इनकी कई बार सफलता की कहानी जो है मध्य प्रदेश के डीडी न्यूज से हुई है, कई पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। अंबिका प्रसाद तिवारी ने अपनी 1 हेक्टेयर भूमि में लगातार मेहनत के बल पर अब तक 100 कटहल, 50 अमरूद, 50 आम के पेड़, 30 आंवला, 50 नींबू, 150 पपीता, 50 केले और करीब 100 करोंदे के पेड़ लगाए हैं। इसके अलावा तुलसी, करेला, मिर्च सहित कई फूलों के पौधे भी इनके बगीचों में देखे जा सकते हैं। अंबिका प्रसाद तिवारी ने अपनी छोटी सी जमीन में बगीचा लगाकर ये साबित कर दिया कि वैज्ञानिक तरीके से खेती की जाए तो कम लागत, कम पानी के बावजूद अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। टीकमगढ़ से सुधीर जैन के साथ अंकुर जैन, डीडी न्यूज भोपाल। गुड न्यूज एमपी विशेषक पे आज बस इतना ही। यदि आप भी हमें इस बुलेटिन से जुड़ी कोई प्रतिक्रिया या सुझाव देना चाहते हैं अपने आसपास